नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा का आगाज आज से हो चुका है और आज पहले दिन साइंस की परीक्षा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो अपना परीक्षा देकर आए हैं। कैसा एग्जाम गया है आप लोगों का? बहुत बढ़िया एग्जाम गया। अच्छा, हल्का क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। हल्का क्वेश्चन था। हाँ, चलिए कुछ और छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। एग्जाम देके आए हैं आप साइंस का? यस सर। कैसा क्वेश्चन था? ठीक था। कोई दिक्कत हुई एग्जाम देने के दौरान में? नहीं। चप्पल उप्पल खुलवा लिया गया था? चप्पल जाने दिया था, पहन कर जूता नहीं पहने हुए थे। चप्पल जाने दिया, बेल्ट खोलवा लिए थे सर। बेल्ट खोलवा लिए। हाँ, सब चीज़ों से कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं चेकिंग रोकने के लिए कवायद अच्छी है? नहीं, सब ठीक है, सब ठीक था। क्वेश्चन भी ठीक अच्छा था। अच्छा, सब चीज अच्छे किया है। अच्छा किया है। हाँ। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा, सारा पेपर अच्छा ही जाएगा। 26 में 22 बनाया है। हाँ। 26 में 22 को बनाया है क्वेश्चन। आप एग्जाम देने जा रहे हो? दरअसल आपको बता दें कि दो पालियों में बिहार मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा होती है। एक पाली का एग्जाम खत्म हो गया है तो दूसरी पाली का एग्जाम जो छात्र हैं वो भी यहाँ पे तैयार है, एग्जाम देने जाएंगे। आप लोग एग्जाम देने वाले हो कि दे चुके हो? देने वाले हो। प्रिपरेशन पूरा हो गया है? यस। पता है ना कायदे और नियम कि जूता पहन कर नहीं जाना है, बेल्ट नहीं पहनना। बेल्ट खोल रहे हम लोग। हाँ, बेल्ट खोल लियो। अच्छा, ये बताओ, इस तरह के नियम आप लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। एक नंबर है, तब ना बिहार आगे बढ़ेगा। पढ़ेगा तब बिहार बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो बिहार पीछे रहेगा। पढ़ के आए हो? यस सर, पूरा पढ़ के आए। पूरा लिखेंगे, पूरा पेपर फाड़ देंगे लिख लिख के। देखिएगा किस चीज का एग्जाम है? साइंस का सर। ये देखिए, कुछ ज्यादा उत्साहित छात्र है जो कह रहे हैं कि पूरा लिखेंगे। चलिए आप भी आगे आओ, एग्जाम का प्रिपरेशन पूरा। डर नहीं था? डर किस बात की? जब तैयार करके आए तो डर किस बात की? अब इस बार है कि जूते और जो बेल्ट है वो नहीं पहनना। इस तरह के नियम आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं? कहीं ना कहीं चेकिंग रोकने के लिए कवायद है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है सर। चलिए आपको हम दूसरी छोर एक नज़ारा भी दिखा देते हैं कि दरअसल ये देवी चौधरी शहीद स्मारक उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पर अभी मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि दो पालियों में मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है। प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और दूसरी पाली का अभी होना है। छात्र जो हैं वो अभी बाहर खड़े हैं, हम छात्रों से भी बात करेंगे। एग्जाम आप लोगों को देना है अभी सेकंड पालियों में? यस सर, देना है। हाँ, तैयारियां हो गई है पूरी? हाँ, तैयारियां। इस बार नियम है कि जूते और बेल्ट नहीं लगाना। इस तरह के नियम को आप किस रूप में देख रहे हो? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा नियम है ताकि कोई चीट ना ले जाए अंदर और कोई फंसे ना। अगर कोई चीट ले जाता है अंदर तो अपने बेंच के आगे में गिरा देता है, बेंच के आगे में गिरा दे तो अगला दूसरा लड़का को तकलीफ होती है इस वजह से। चलिए, तैयारियां हो गई? बहुत अच्छी तरीके से। एग्जाम देके आ रहे हो? नहीं, देने जा रहे हैं। उत्साहित हो? हाँ, बहुत बढ़िया है तैयारी, प्रिपरेशन पूरी। हाँ हाँ, अच्छी तरह से। इस बार नियम निकाला गया है कि जूते और बेल्ट नहीं लगाने हैं। इस तरह के नियम को आप किस रूप में देख रहे हो? किस रूप में? मेरा हमको बहुत खराब लग रहा है, पैंट गिर रहा है, बेल्ट नहीं दिया तो। छात्र का पैंट गिर रहा है। देखिए, अपनी अपनी समस्याएं छात्र, लेकिन पूरे उत्साहित है, इंतजार में है कि कब आप लोग अंदर जाओगे और एग्जाम दोगे। यस, ठीक है। एक अपना एक रोमांच होता है दसवीं क्लास का एग्जाम देने का। काफी प्रिपरेशन, काफी मेहनत करने के बाद आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हो, एग्जाम देते हो। हाँ, देने जाए करते। चलिए, देख सकते हैं कि इस माध्यमिक विद्यालय के चारों ओर छात्र ही छात्र नजर आ रहे हैं। ये दूसरी पाली जो आज आपको बता दें कि साइंस का एग्जाम होना है और दूसरी पालियों के जो छात्र हैं वो गेट पर इंतजार कर रहे हैं। हम लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं और छात्र जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हाँ, अभी बोलना जा रहे हो? नहीं बोलना जा रहे हो। क्यों डर रहे हो? क्या एग्जाम से एग्जाम का डर नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? पढ़ के आए तो डर क्या, किस बात का? पढ़ के आए तो इस बार नियम निकाला गया है कि बेल्ट और जूते नहीं रहेंगे। इस नियम को आप कैसे देखते हैं? सही है? सही है, बहुत तरह से सही है। हाँ, आप बोलिए। बहुत तरह से सही है ये नियम, क्योंकि सब बच्चे चोरी करते हैं ऐसे ऐसे। चोरी कैसे हो सकता है? बेल्ट में लगे, बेल्ट के अंदर, बेल्ट के अंदर कुछ छात्र बहुत सातिर होते हैं, चीट लेके चले जाते हैं। बेल्ट में कैसे घुसेगा चीट, बताइए। देखिए, छात्र लग ही नहीं रहा कि एग्जाम देने जा रहे हैं, पूरे फुल मस्ती के मूड में। लग रहा है कि आप लोग कोई मस्ती करने जा रहे हैं, एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं आप लोग। मस्ती करने नहीं जा रहे, एग्जाम देने जा रहे। ये एक खुशनुमा माहौल है कि छात्र अभी दूसरी पाली का एग्जाम देने जा रहे हैं और फुल मस्ती के मूड में मुस्कुरा रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रिपरेशन पूरा है तो डर कैसा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही है। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।